तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक सर्कल के नाम से डिप बनाया और यहाँ पे हमने इसकी विथ और हाइट यहाँ पे मेंशन कर दी। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल और कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया ये वाला। रन करके देखते हैं। और यहाँ पे काम करते हुए हाइट दे दी हमने, बॉर्डर दे दी, और बैकग्राउंड कलर भी दे दिया डॉट सर्कल। और यहाँ पे सर्कल डॉट HTML खुला है, इसमें कुछ आया क्यों नहीं। विथ हाइट 120 पिक्सल, कुछ लिख के देखते हैं, कुछ नहीं आ रहा है। CSS नहीं आ रही इसकी, क्यों नहीं आ रही CSS? सर्कल की स्पेलिंग गलत है। हाँ तो ये बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। मुझे इसके अंदर आइकन चाहिए। अच्छा तो मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगल आइकन, ये एक वेबसाइट है, गूगल आइकन सर्च कर लेना। यहाँ पे आपको जाना है इसके अंदर, यहाँ पे आपको आइकन मिल जाएगी। जैसे मैं वीडियो का आइकन देखता हूँ, वीडियो का आइकन ये रहा हमारा, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, सबसे पहले हमने क्या करा, इसका लिंक जो है वो कॉपी कर लेते हैं। और ये लिंक कॉपी करने के बाद हम कहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड हम क्या करते हैं, इसका अंदर ये नीचे एक आइकन होता है, इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी किया और हमने यहाँ पे भी से पेस्ट कर दिया। अब जरा चेक करते हैं हम, यहाँ पे देखो आइकन आ गया हमारे पास, आ गया। सेकंड हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेस्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं और लाइन हाइट होता है वर्टिकल सेंटर के लिए, तो लाइन हाइट मैंने क्या करा इतनी दे दी 120 पिक्सल, 120 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा कुछ आ गया है, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज बढ़ाए थे, फॉन्ट साइज बढ़ाने से क्या हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका साइज 40 पिक्सल दे दिया, 90 पिक्सल दिया। इम्पोर्टेंट लगाते हैं, इम्पोर्टेंट काम क्या करता है कि ना कुछ तो हुआ नहीं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने से। हाँ साइज नहीं बढ़ रहा ना इसका, फॉन्ट का साइज साइज इतना ही रहेगा इसका, साइज बढ़ तो जाता है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा साइज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसकी इस वाली जो क्लास है ना इसको कॉपी करेंगे, फुल स्टॉप फॉन्ट हाइफन साइज कितना कर दिया मैंने यहाँ पे 80 पिक्सल कर दिया। तो अब फॉन्ट का साइज मेरा ऐसा आ रहा है। अच्छा इम्पोर्टेंट लगा के देखते हैं, हाँ अब बढ़ गया साइज, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या काम करता है, अगर जैसे हमने एक CSS को 2 बार दे रखा है तो यानी इसने भी क्या कर रखा होगा, CSS कहीं डिफाइन कर रखे होगे तो इसकी कैच कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। इसकी कैच क्यों कर रहा था, हमारी कैच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जो स्टाइल लगाई है ना वो इसकी स्टाइल से ऊपर लगाई है। अगर हम इसकी स्टाइल से नीचे लगाते तो हमारा काम करता। देखो मैं अब इसकी नई भी यूज़ करता तो भी काम करेगा, काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने 50 पे यूज़ किया, ये सही आ रहा है, ठीक है। और अब मैं एक काम करता हूँ, जितना बॉक्स का साइज था उतनी लाइन हाइट यूज़ कर ली मैंने, ठीक है। ये अब इसके ना सर्कल बना देते, सर्कल कैसे बनाएंगे, बॉर्डर रेडियस 50%, अगर ऐसा लिखते हैं हम तो सर्कल बन जाता है। तो इससे सर्कल बन गया ये, ठीक है। तो हमारा देखो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है।
अगर ऊपर से थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ मार्जिन हाइफन टॉप लिख देता हूँ 30 पिक्सल, तो हमारा ये आ गया ऐसे, ठीक है बन गया आइकन। इस तरीके से हम आइकन लगा सकते हैं, आपको जो सा भी कलर चाहिए, अब कौन सा कलर चाहिए। देखो हमारा सेम बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये सर्कल बन गया, ये वाला आइकन हमने इस तरीके से लगा दिया, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, आइकन लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से CSS लिखनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब एक सेक्शन बनाते हैं हम। आज मैं सेक्शन डिजाइन करूंगा टीम सेक्शन, एक सर्च कर लेते हैं कोई सा टीम सेक्शन। तो आज हम एक पूरा सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शन हमारा जो रहेगा ना, वो कुछ इस तरीके का रहेगा। लाइक कौन सा सही लग रहा है, ये वाला रखते हैं सेक्शन हम, ठीक है। तो एक सेक्शन बनाना है हमें ऐसा कुछ, ठीक है, ये बनाया गया। अच्छा तो इसके लिए मैं अलग एक फाइल ले लेता हूँ, section.html। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे रन करा के देखा, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये हमारा ये आ रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया, कंटेनर इसकी मैंने क्या करा, विड दे दी, स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या करा, इसकी विड दे दी, और लिखा यहाँ पे फुल स्टॉप कंटेनर, इसकी विड कितनी है 100%। इसकी हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 100 VH वर्टिकल हाइट। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, ये वाला कलर दे दिया, तो ये ऐसे आ गया हमारे पास, ठीक है। आप अगर ये चाहते हो ये स्पेस ना है, तो मैंने आपको बताया था स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स लिख दोगे, ठीक है। तो ये स्पेस रिमूव हो गया। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, अब हमें यहाँ पे दो सेक्शन चाहिए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो हमने क्या करा, यहाँ पे दो सेक्शन बना लिए, एक लगाया लेफ्ट बॉक्स, इसके अंदर आएगा, ठीक है, और एक का नाम रखा राइट बॉक्स। लेफ्ट बॉक्स में कुछ कंटेंट आ जाएगा, मीट आवर टीम, और राइट साइड में क्या होगा हमारे पास, राइट साइड में हमारे पास यहाँ कंटेंट आएगा थोड़ा सा, और राइट साइड में हमारे पास यहाँ वो आ जाएगी, सर्कल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ सर्कल्स रख लिए, तो और यहाँ से तीन बॉक्स ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, 3 3 6, 3 3 6 और 9, 9 बॉक्स ले लेते हैं, आ गए 9 बॉक्स। अब सर्कल की CSS दे देते हैं, फुल स्टॉप सर्कल्स विथ 90 पिक्सल, हाइट 90 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। अभी रन करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये ब्लैक कलर के बॉक्सेस आ गए, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, सर्कल बनाने के लिए क्या लिखना होता है, हमें बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर रेडियस 50%, इससे क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगी ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट बॉक्स, ये जो लेफ्ट बॉक्स है, तो यहाँ कंटेनर में लिख दिया आपने डिस्प्ले फ्लैक्स, इससे क्या हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे डॉट लेफ्ट बॉक्स, इसके अंदर लिखा हमने विथ 50%, ये आ गया। अब ले लेते हैं डॉट राइट बॉक्स, राइट बॉक्स, इसमें क्या हो गया, ये इधर आ गया, आ गया। फ्लैक्स लिखने से क्या हुआ, दोनों एक लाइन में आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको इनको एक लाइन में ले आते हैं,
तो हमने क्या करा इसके लिए, राइट बॉक्स, राइट बॉक्स कहाँ है हमारा, ये रहा, इसमें भी लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या हो गया, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ जब जगह खत्म हो जाए तो नीचे शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए कल बताया था मैंने फ्लैक्स रैप, रैप यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, जगह खत्म हुई, यहाँ आ गया। हाय राम, विद दे दी, इसकी विद तो दे ही रखी है, 190 पिक्सल और 190 पिक्सल, हम कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसके अंदर सेंटर में ले आते हैं इसको। सेंटर में लाने के लिए क्या लिखना होता है, हमें अलाइन आइटम सेंटर। तो इससे क्या हो गया, सेंटर में आ गई है हमारे पास, इस तरीके से सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी सेंटर में ले आते हैं, तो ये सेंटर में लाने के लिए हमने क्या लिखा, लेफ्ट बॉक्स में भी डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये फ्लैक्स हो गया। और इसमें भी क्या लिख दिया हमने, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये भी सेंटर में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ गया बिल्कुल। पर मैं चाहता हूँ ये ऊपर आए या नीचे आए, तो उसके लिए कल बताया था मैंने क्या लिखते हैं, फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम। डिफॉल्ट रो होती है, कॉलम में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक के नीचे एक आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी पैडिंग भी लगा देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, तो इससे पैडिंग आ गई हमारे पास, ये आ गया हमारा डिज़ाइन, ठीक है। आ गया समझ में, तो यहाँ थीम का सेक्शन बन गया, यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। पर क्या करना है, ये देखो ये स्पेसिंग ये जा रही है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करना, आपने राइट बॉक्स जो है ना उसकी हाइट दे देनी है। तो यहाँ हाइट लिख दिया हमने 200 पिक्सल, तो क्या हो गया इससे, ये ऐसे आ रहा है, 300 400 पिक्सल कर देते हैं, 300 पिक्सल। नीचे आ गया 500 पिक्सल चल कर, चलो तो देखो ये हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है। हाइट दे दोगे तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एक बार बैकग्राउंड कलर देखिए, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर येलो, ये हमारा बॉक्स जो है ऐसा कुछ आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक काम करता है मुझे, पर ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए, यहाँ पे अभी भी तो सेंटर में नहीं आ रहा। तो हमारा एक बॉक्स था, कौन सा, सर कंटेनर, तो उसके अंदर लिख दिया हमने अलाइन आइटम सेंटर, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा हमारा। तो देखो हमारे पास, यानी फोटो है, इस तरीके से हम फोटो डाल देंगे। पर मुझे 8 फोटो चाहिए थी, पर एक लाइन में 5 आ रही है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पैडिंग लगाता हूँ, किसके अंदर, यहाँ पे पैडिंग 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, ठीक है। ये ऐसा आ गया। अब क्या करना है मुझे, चार ये चाहिए। हम एक काम करते हैं, राइट बॉक्स में थोड़ी सी पैडिंग लगाते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 सर्कल की हाइट बढ़ा दूँ तो भी सही हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, तो सर्कल का हमारे ये रहे 120, 120 की जगह 130 कर दे। अभी नहीं, 3 4 4, अच्छा 8 ही होते हैं, एक हटा देते हैं, एक ऐसा आ रहा है, चलो ये आ गए हमारे। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी, चलो अभी किसमें इमेज लगा देते हैं, इमेज पड़ी है कोई यहाँ पे, ये इमेज लगाते हैं। देखो इमेज लगानी है सर्कल के अंदर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऑल दबा के, तो बस ऑल दबा के क्लिक करोगे तो आ जाएगा IMGSRC1.webp, और यहाँ लिख दिया हमने विथ 100% और हाइट भी 100%। तो इससे क्या हो जाएगा, जितने बड़े बड़े सर्कल होगा उतने इमेज सेट हो जाएगी यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि जो इमेज है ना वो मतलब कटी ये सर्कल में दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखना
ओवर फ्लो हिडन फिर से सर्कल में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पर मुझे अब क्या करना है, फ्लेक्स तो ठीक है, ये स्पेस भी चाहिए इनमें। सर्कल में थोड़ा सा मैं मार्जिन भी देता हूँ। तो ये हमारा ऐसा सेक्शन सेट हो गया। और एक काम करते हैं, पीछे का बैकग्राउंड हटाते हैं। अब बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया, तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब इस पे कोई होवर लेके जाए तो इनके साइज़ बढ़ जाए। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। आप या अगर आपको होवर इफेक्ट लगाना होता, तो मैंने आपको बताया था जब हम ड्रॉप डाउन लगाया था तो हमने लिखा कि अगर कोई सर्कल की इमेज जो है उस पर होवर लेके जाए तो क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म स्केल। इससे क्या होता है, 1.2 लिख दोगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 0.2%। तो ये देखो, जब मैं होवर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रही है इमेज। ठीक है, ऐसे तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो हमारा ये सेक्शन बन गया। मैं आवर टीम का जो है कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्पैन। स्पैन जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। ये अगर ना आपको टेस्ट को मॉडिफिकेशन करनी होती है तब यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्पैन लिख दिया, तो ऐसे लिखेंगे हम, H1 के अंदर जो स्पैन है उसका कलर जो अलग हो जाएगा। H1 के अंदर जो स्पैन है उसका कलर जो है वो यहाँ पे ब्लू हो गया। तो ये हमारा ऐसा कुछ आ गया। तो इस तरीके से हम ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये डिज़ाइन करना है तुम्हें। एक तो वो बनाना है, ये जो पिछला पेज बन रहा था हमारा ऐसा, ठीक है, और एक ये बनाना है इस तरीके का पेज। ठीक है, मैंने मैंने कितने लिए? हाँ, इसमें 9 थे, मेरे में 8 आए। तो अगर मैं तीन तीन और लूँगा तो हो जाएगा। एक और ले, 8, एक और ले लेते, 9। अब कैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, तो 130 की जगह मैं क्या करता हूँ, 130 मत यूज़ करो, विड्थ ना परसेंटेज में यूज़ किया करो। तो वो मुझे फिर पिक्सल में डालना पड़ेगा। चलो 200 पिक्सल रखते हैं। हाँ, 200 पिक्सल रखते हैं, चेक करते हैं। 170, 170। यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी इस तरीके से, और सेकंड क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जाएगा इस तरीके से। थोड़ा बहुत मार्जिन पैडिंग हम बाद में यूज कर लेंगे, पहले इस तरीके से सेक्शन सेट करना है तुमको। ठीक है, तो ये सेक्शन बनाना है ऐसे। यहाँ पे, हाँ, ये वाला, ये जो आ रहा है, ये पता है, ये ना इसके लिए एक क्लास लगती है, इसे बोलते हैं सूडो क्लास। तो वो हमें लगानी पड़ती है, जैसे कि मुझे जिसमें कौन से सेक्शन में लगानी है, मुझे यहाँ लगानी है, जैसे यही वाला ना, ये लास्ट वाली है, यही वाली होगी। ठीक है, तो इसमें लगानी पड़ती है फिर हमें, तो मैं इसके नाम दे देता हूँ सूडो, और इसे बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, ये इसमें बोट कोड करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, पर यूज़ बाद में करेंगे। ठीक है, सूडो फुल स्टॉप, सूडो पोजीशन एब्सोल्यूट कंटेंट ब्लैंक विथ टू हंड्रेड 300 पिक्सल, हाइट 90 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लू, और सूडो का आफ्टर बिफोर। देखो ऐसे ये बॉक्स बन जाता है फिर यहाँ पे, फिर हम उसे सेट कर पाते कि जैसे मुझे थोड़ा सा लेफ्ट करना है तो मैं लेफ्ट कर लूँगा, -200 पिक्सल, ये थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा इस तरीके, कितना मूव करना है तो वो आगे करेंगे अब। ठीक है, F0, तो इस तरीके हम सेट कर सकते हैं फिर उसको। तो इसे मत करना अभी, पहले सिंपल से ऐसे 6 से 9 सर्कल बनाने हैं, और 9 सर्कल के बाद यहाँ पे तुम्हें आवर टीम का सेक्शन लिखना है। अभी तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने नहीं कराई, जैसे ये वाला सेक्शन पीछे बॉर्ड सर्कल कैसे बन के आ रहा है, तो
ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले आज मैंने सीख बताया आपको सर्कल के अंदर इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो एक आइकन भी लगाया हमने और इमेज भी लगाई इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिज़ाइन सेट करना, टीम का कोई भी सेक्शन ले लो, यहाँ मिल जाएगी अलग अलग तरीके के, तो ऐसे सेक्शन बनाना, ये भी बना सकते हो, सर्कल वाले बना लेना, जैसे ये सेक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे बनाने की कोशिश कर लेंगे, ये वाला हो गया। और जो मैंने पेज दे रखा है वो वाला कंप्लीट कर लो। वेबसाइट कौन सी है हमारी, देखो ये देखो वेबसाइट हमारी जो है वो ये वाली है। ठीक है, इससे आइकन मिल जाते हैं, गूगल आइकन से। तो सर्कल बनाने के लिए ये देखो, सर्कल बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50%। अच्छा, आप ना ये जो मैंने होवर वाला इफेक्ट लगाया था ये कैसे पे लगाना है, देखो सर्कल के अंदर IMG, उसके ऊपर होवर। अच्छा, एक चीज़ और लगा सकते हो आप, यहाँ लिख सकते हो ट्रांजिशन, इससे क्या होता है टाइमिंग सेट हो जाएगी, मतलब वो जो मूवमेंट वाली टाइमिंग है ना वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, देखो ये ऐसे। ठीक है, तो आप इस तरीके सेट कर सकते हो। बाकी इसमें जो होवर पे आप कुछ भी लगाना है वो आप लगा सकते हो, जैसे मुझे बॉर्डर लगानी है तो वो सब चीज़ें हमारी इसमें लग जाएगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि सर्कल के ऊपर बॉर्डर लगानी है, सर्कल पे होवर जाने पे क्या हो जाए, बॉर्डर लगे, कौन सी सॉलिड, कितने पिक्सल की, 5 पिक्सल की और ब्लू कलर की। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो ये सेक्शन आज करना है आपने, और यहाँ कंटेंट आना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास ऐसे सेट होना चाहिए। आए राम, इसे मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और ये कोड भेज रहा हूँ, इसे बना के बैठो। ठीक है।